लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। विकासखंड निचलोल के 32 ग्राम सभाओं में आरओ प्लांट लगाया गया था, जिससे आमजन को स्वच्छ पेयजल के साथ साथ छना हुआ वाटर फिल्टर पानी पीने को मिल सके। पर क्या ये जमीन पर लोगों को पानी पीने का मिल रहा था, इसकी हकीकत जानने आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो इसके दावे तार तार हो गए। न शुद्ध पेयजल मिल रहा था, न ही वहाँ के आरओ प्लांट ही काम कर रहे थे। अधिकतर जगहों पे कूड़े की ढेर की तरह पड़े थे तो कई जगहों पे बंद मिल। आरओ प्लांट मने हाथी के दांत यूपी के जनपद महाराजगंज के विकास खंड निचलोल में अब ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल देने के बजाय छना हुआ शुद्ध पानी देने की नीयत से करीब 32 गांव में आरओ प्लांट की स्थापना सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर की। पर क्या आम लोगों को महामारी के इस दौर में शुद्ध छना हुआ पानी पीने को मिल रहा है, इसकी तहकीकात करने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो परत दर परत इसकी पोल खुलती चली गई। हम गरौड़ा आरओ प्लांट पहुंचे तो पता चला कि ताला लगा रहता है, कभी कभी खुलता है और जो भी पैसा पानी के बदले वाटर एटीएम में डाला जाता है वह ठेकेदार आकर निकाल ले जाता है, लेकिन इसकी मरम्मत और देखरेख नहीं की जाती है, जिससे दूषित पानी पीने को आम ग्रामीण मजबूर हैं और आम ग्रामीणों में अब कुछ ही लोग पीते हैं। यही हाल वोड़वलियाँ वाटर एटीएम की भी दिखी। जहां वाटर एटीएम लगा था वहां से उसके होने के प्रमाण तक गायब हैं। फिल्टर पाइप, वायर, मोटर आज चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ठूठीबारी आरओ प्लांट भी सभी आरओ प्लांट के साथ लगा था पर आज तक चालू नहीं हो सका। इतना ही नहीं, असल हकीकत तो हमें विकासखंड निचलोल के परिसर में देखने को मिला, जिसे सरकार के दावे के साथ नीले रंग के पोस्टर से चमकदार तो बना दिया गया पर बंद है और झाले तक अंदर लगे हुए देखे जा सकते हैं। देखें सच। हम विकासखंड के आरओ वाटर एटीएम आरओ प्लांट को दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बंद है और काफी दिनों से खराब पड़ा है, इसमें झाले तक लग गए हैं और ये काम नहीं कर रहा है। ये थी विकासखंड की कच्चे दावे की पक्की रिपोर्ट, जहाँ वादे, जुमले और दावे किताबी निकले। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ रिपोर्ट।